पाकिस्तान के भारत को तनाजात के हल के लिए मुजाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत से मसला कश्मीर समेत तमाम तनाजात के हल के लिए बातचीत के लिए तैयार है। भारतीय क़यादत हमारे साथ मिल बैठकर तमाम दरीना तनाजात हल करे। हथियारों की दौड़ के बजाय अपने मसाइल गुरबत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए खर्च कर सकें। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि चीन और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान एक पुल है, मुत्तहिदा अरब अमारात मेरा और लाखों पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। मेयर कराची की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बलदियाती इंतखाबात के नताइज ने गुत्थी उलझा दी। किसी जमात को सादा अक्सरियत ना मिली। पीपल्स पार्टी 93 यूसीस में कामयाब के बाद सरे फहरिस्त। जमात इस्लामी का 86 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीटीआई कराची से 40 सीटें ही निकाल पाई। नून लीग ने 7, जेयूआई ने 3, टीएलपी ने 2 सीटें जीती। 3 यूनियन कमेटियों से आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। सईद गनी ने कराची में जमात इस्लामी से मिलकर हुकूमत बनाने का इंडिया दे दिया। कहते हैं जमात इस्लामी की नशिस्तें हमसे कुछ कम हैं, पीटीआई के सिवा तमाम जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई मेयर का उम्मीदवार अपनी ही नशिस्त हार गया। पीटीआई और जमात इस्लामी का मेयर बना लेने की बात कबल इस वक्त है। जमात इस्लामी का कराची बलदियाती इंतखाबात के नतीजे में ताखीर पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक रब्ता। इलेक्शन के नतीज में ताखीर पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया। कहा जमात इस्लामी 2018 की तरह इलेक्शन पर शब खून मारने नहीं देगी। हैदराबाद का मैदान जयालों के नाम। मेयर की सीट पक्की। बलदियाती इंतखाबात के मुकम्मल नतीज आ गए। पीपल्स पार्टी के 31 बिला मुकाबला समेत 94 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर बनाने की अक्सरियत से जायद यूसीज हासिल कर ली। पीटीआई 39 यूनियन कमेटीज जीत कर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी का एक और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 उम्मीदवार कामयाब। 16 आजाद उम्मीदवार भी कामयाबी समेट चुके हैं। इमरान खान का फिर यूटर्न, असेंबली वापस जाने को तैयार हो गए। कहते हैं निगरान सेटअप के लिए कौमी असेंबली में वापस आ सकते हैं, शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर देंगे। नून लीग के अरकान असेंबली रबते में हैं, पहले इनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। काफ लीग बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो जीतेगी। इमरान खान की अप्रैल में आम इंतखाबात की भी पेशकश। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे? मौलाना फजलुर रहमान से सवाल। नहीं होंगे, पीडीएम सरबराह का मुस्कुरा कर जवाब। बोले पहले हम इस गंद को साफ करेंगे, इसके बाद कानून और आयन के तमाम रास्ते मौजूद हैं। मुल्क और इदारे अब पीटीआई की ख्वाहिश पर नहीं चलेंगे। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा? हुकूमत इतिहाद और अपोजिशन में सलाह मशवरे। हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता। मलिक अहमद का जल्द नाम देने पर इत्तफाक। परवेज इलाही ने नासिर खोसा, अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान का नाम दिया। नासिर खोसा के निगरान वजीर आला बनने से साफ माजरत। अहमद नवाज सुखेरा सरकारी मुलाजिम है, रिटायरमेंट से कबल अबूरी वजीर आला नहीं बन सकते। नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत अहम मुशावरती इजलास। पंजाब में निगरान वज़ीरे आला के लिए नामों पर गौर किया गया। पार्टी में अहम ओहदों पर तब्दीलियों के लिए भी मुशावरत। मरियम नवाज का जल्द वतन वापसी का फैसला। पार्टी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड बनाने का फैसला। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक समेत दीगर नामों पर गौर। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल कर दी। परवेज इलाही को शोकास नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। पार्टी का सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। परवेज इलाही गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम की वजाहत दें। परवेज इलाही ने काफ लीग के पीटीआई में इंजमाम का बयान दिया था।
लाहौर में गंदम की फी मन कीमत में 1400 रुपए तक कमी, 4200 रुपए मन पर आ गई। चक्की मालिकान ने आटा सस्ता नहीं किया, चक्कियों पर आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो बरकरार, चावल के दाम रोज बढ़ने लगे। सुपर कायनात पुराना चावल 320 से 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी पर इलाज के दरवाजे बंद, सर्विसेज अस्पताल लाहौर में अद्वियात के बाद मुफ्त टेस्ट खत्म, आउटडोर में एक्सरे और ब्लड टेस्ट के पैसे वसूल किए जाने लगे। गरीब मरीज दरबदर, पीकेएलआई अस्पताल में भी अद्वियात की किल्लत, 2 हफ्तों से किडनी का कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, बरूने मुल्क से अद्वियात की बरामद में तातिल वजह करार। लाहौर में रूडा इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम का आगाज, 400 के करीब इंडस्ट्री के लिए सड़कों की तामीर, गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर न करने के लिए डायवर्जन प्लान भी तश्कील, 2.25 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी, सीवरेज लाइन के इख्तिताम पर डिस्पोजल स्टेशन बनाया जाएगा। और कराची से खैबर तक सर्दी का राज, काला में दर्जा हरारत -15 तक गिर गया, लह -14, अस्तोर -10, स्कर्दू कल्लास जियारत में -9 रिकॉर्ड, कोयटा में कुल्फी जमा देने वाली ठंड, पारा -6 रहा, इस्लामाबाद 0, लाहौर 1, पिशावर और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशकश।